ओके okay, तो आई नो आप सब तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी होगी कि इंडिया से कनाडा ने डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद कर दी हैं इफ़ यू वॉन्ट माय ओपिनियन आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द डिसीजन बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द सिचुएशन इन इंडिया इट इज गेटिंग वर्स देन व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट करनी ही थी बैंड बट हाँ सीधा ही तीस दिन ना करके दे मस्ट है बैंड फॉर टेन टू फिफ्टीन डेज खैर जो होना था वो हो चुका है आई वुड लाइक टू सी योर थाट्स आप सबका क्या कहना है इस डिसीजन पर काइंडली कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो सो इट्स अ वेरी सैड न्यूज बट जिनका भी अभी मेडिकल एक्सपायर की वजह से वीजा इनवैलिड आ रहा था उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि आप अपनी फ्लाइट रीशेड्यूल करवा सकेंगे बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देकर अदरवाइज़ अगर आप ख़ुद रीशेड्यूल करवाते तो आपके पंद्रह से बीस हज़ार तक लग सकते थे तो डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया से कनाडा बंद हो गई हैं दो ही फ्लाइट्स थी डायरेक्ट वाली दैट इज़ एयर इंडिया एंड एयर कनाडा। इसके अलावा और कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी तो इन दोनों में से अगर आपने किसी भी फ्लाइट की बुकिंग की है तो आपको मेल अगर बुकिंग करते टाइम आपने अपनी मेल डाली थी तो आपको मेल आ गई होगी कि फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से आपकी फ़्लाइट हम रीशेड्यूल कर रहे हैं तीस दिन के बाद की अगर अभी तक आपको ये मेल नहीं आई है तो बहुत बढ़िया आप खुद सबसे पहले अपनी एयरलाइन को मेल करो री शेड्यूलिंग के लिए क्योंकि जिनको भी मेल आई है उन्हें सीधा ही तीस दिन बाद की फ़्लाइट मिली है लाइक जिसने अभी अट्ठाइस अप्रैल की टिकट करवाई थी तो उसे सीधा अट्ठाईस मई की टिकट दे रहे हैं अब अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो फ्लाइट्स तीस दिन के लिए बैन हुई हैं तो तेईस मई से फ्लाइट्स वापस से स्टार्ट हो जाएंगी तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप पहले अपनी एयरलाइन को खुद से मेल करिए और उनसे 24 या 25 मई की जो भी फ्लाइट अवेलेबल हो उसे बुक करवा लो अदरवाइज वो खुद 30 दिन बाद की ही फ्लाइट देंगे और हाँ रीशेड्यूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से बैन की वजह से हो रही है इसलिए इसकी रीशेड्यूलिंग बिल्कुल फ्री होगी कोई भी एयरलाइन आपसे पैसे नहीं ले सकती रीशेड्यूलिंग के हाँ रिफंड पॉलिसी अलग अलग हो सकती है तो एक्स्ट्रा चार्जेस से आप बेफिक्र रहिए नाउ वी कम टू थ्री डेज होटल बुकिंग जो आपने करवाई हुई है कनाडा में तो उसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए आपका होटल बुक हुआ पड़ा है आप उन होटल वालों को मेल करके या कॉल करके बुकिंग डेट चेंज करवा सकते हो इसमें भी आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा कोई भी होटल नॉट इवन सिंगल होटल आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांग सकते नाउ द मेजर कंसर्न इज इलेवन डेज क्वारंटीन अब जिन्होंने तो कॉलेज की तरफ से क्वारंटीन बुक करवाया हुआ था उनको तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है आप कॉलेज को बोल के बुकिंग आगे की करवा सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देकर बट अगर आपने प्राइवेट रूम बुक करवाया हुआ था तो आपको लैंड ओनर से बात करनी पड़ेगी

दुबई ने भी कल ही 10 दिन के लिए इंडिया से सारी फ्लाइट्स बैन कर दी हैं नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी लंडन ले ओवर दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि इंग्लैंड ने भी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं इंडिया से नाउ इफ़ यू हैव एनी अदर ऑप्शन लाइक एयर फ्रांस आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा बुकिंग करते टाइम वो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट जहाँ आपका ले है उस कंट्री ने इंडिया से फ्लाइट्स बैन ना की हो या करने वाला हो सेकेंड अगर आपका दो घंटे का ले ओवर है वहाँ पे तो एयरपोर्ट वालों को आपको कॉल करके पहले पूछना होगा कि क्या दो घंटे में मेरी कोविड की रिपोर्ट आ जाएगी थर्ड उस कंट्री से कैनेडा ने फ्लाइट्स बंद ना की हो या करने वाला हो बट इफ यू आस्क मी वॉट टू डू नाउ आई वुड ब्लाइंडली सजेस्ट यू नॉट टू डू एनीथिंग राइट नाउ होप की इंडिया में कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो ताकि ये बैन आगे ना बढ़े दैट्स ऑल वी कैन डू नाउ होप फॉर द बेस्ट गुड लक